अरे मैं साइकिल अपने जिम में भूला है, 2 दिन से खड़ी, 3 दिन से वहीं पर खड़ी है, अब देखो मिलती है कि नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं करने के लिए जो कि हम परसों नहीं कर पाए थे, तो आज करेंगे। पर उससे पहले नाश्ता करके आते हैं फटाफट। मैं नाश्ता करने जा रहा था और जस्ट मुझे शौक लगा कि मेरी साइकिल कहाँ है। मैं पक्का अपनी साइकिल ही कहीं पे छोड़ के आ गया हूँ। मैंने सबसे बात करके देख लिया पर मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा कि मैं साइकिल जिम में छोड़ के आया हूँ। जिम में लेके नहीं गया साइकिल। मैं 5 मिनट से अपनी साइकिल ढूंढ रहा हूँ और फिर मुझे पता चला मैं तो साइकिल आज लाया ही नहीं था। It was at this moment that he knew he fucked up. अभी मैंने व्लॉग फुटेज देखी और मुझे समझ आया कि मैं जिम में साइकिल लेके गया था पर लेना भूल गया। अब देखते हैं कि मिलती है कि नहीं। कैसे हो अंकल? अरे मैं साइकिल अपने जिम में भूला है, 2 दिन से खड़ी, 3 दिन से वहीं पर खड़ी है, अब देखो मिलती है कि नहीं। टेंशन तो हो रही है पर दोस्तों इतना बेशरम हो गया हूँ व्लॉगिंग के चक्कर में कि हर चीज को मजाक में लेता हूँ। हो गया, खो गई तो खो गई, फिर खरीद लेंगे, बस पापा से डांट पड़ेगी, बहुत पैसा उड़ाने लगे हो। कमाना शुरू नहीं हो, खर्चे शुरू हो गए। तुम लोगों को लग रहा होगा मैं रोज ऐसा करता हूँ, रोज नहीं होता यार। 1 साल से मैं साइकिल चला रहा हूँ, वाली जिम ले जाता हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये साला व्लॉगिंग के चक्कर में दिमाग खराब हो गया है। Let's see guys, फाइनल देखते हैं आपकी मिलती है कि नहीं। जिम के सामने ही हूँ मैं, बहुत टेंशन हो रही है भाई। अगर मुझे साइकिल जाने का दुख नहीं पर वो साइकिल मेरे परिवार का हिस्सा बन गई थी, उसके साथ मैंने इतना वक्त बिताया और फालतू में क्यों साइकिल चोरी होनी चाहिए यार। As expected, मुंबई में कोई चीज यहाँ से वहाँ नहीं होती है। 2-3 दिन हो गए इसको यहाँ पे खड़े खड़े, किसी ने ताला भी टच नहीं करा। दिस इज मुंबई क्वाइस, वेरी सेफ, ऑल थैंक्स टू दैट अंकल। इन अंकल ने बचा ली वरना तो चली जाती भाई। मेरी जिम एक नंबर है। एक कौए ने पॉटी करी इस पे, बाकी सब तो ठीक है, एक नहीं दो ने भाई। साइकिल मिलने की खुशी में आज उसको धोया जाएगा, 2 दिन से यहीं पे खड़ी हुई है। अब जान में जान आई। मुंबई में रहने का यही फायदा है, कुछ भी गलती हो मुझसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सब बातें मुंबई में ही रहती हैं, किसी से डांट नहीं पड़ती है, कोई कुछ ज्ञान नहीं देता है कि अरे साइकिल छोड़ा है तो। और सबसे बड़ी बात, साइकिलें मिल भी जाती हैं। दिस इज मुंबई, दिस इज व्हाई आई लव मुंबई। मुंबई इज माई सिटी, मुंबई इज माई प्लेस। और इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई मेरे लिए, मैं जितनी पीस मैंने मुंबई में पाई है ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी पीस, इतनी शांति, इतनी मेहनत कभी नहीं करी है, इसलिए मुझे मुंबई बहुत पसंद है। चलो हमारी साइकिल घर वापस आ गई है। कैसा, तुमने मिस करा क्या मुझे? मिस तो किया होगा तुमने, सच बताओ। है सही बताओ, मिस किया कि नहीं है? है तो अब दोस्तों, जब डिफेंडर वापस आ ही गए तो आज इसको नहलाएंगे अच्छे से, साफ करके एकदम क्लीन करेंगे उसको। साइकिल की टेंशन में तो मैं भूल ही गया कि मुझे नाश्ता करके फिर जिम भी जाना है, तो फटाफट चलते हैं। अभी एक और मस्त बात याद आई है, मैंने अपना कुर्ता प्रेस के लिए दिया था और वो बंदा मुझसे कह के गया था कि भैया आप भूल जाते हो अपने कपड़े लेना, ध्यान से ले लेना। मैं फिर से भूल गया, 1 हफ्ता हो गया उसको कुर्ता दिए हुए और लास्ट टाइम मैं अपना एक कुर्ता खो चुका हूँ उसके प्रेस में। और मेरी मम्मी से मैंने बोला था, पता नहीं मम्मी कहाँ गायब हो गया। अगर मम्मी मेरी वीडियो देख रही है तो मुझसे गलतियां होती हैं, पर कभी साल में 1-2 कुर्ते 1-2 कपड़े चले भी गए तो क्या, मानसिक संतुलन तो सही रहता है। मुझे इसलिए मुंबई में रहना इतना अच्छा लगता है, मैं आजाद हूँ, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जो गलती होगी मेरी होगी, जो सही होगा मेरा होगा, और मैं सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करता हूँ, यही बेस्ट पार्ट है। तुषार का हर बार हो गया, हर बार लेट होता है, मुझे भी लेट करवा दो। खड़ा हूँ 5 मिनट से यहाँ पे, बोल रहा था मैं यहीं पे हूँ, आया नहीं अभी तक। अब मैं खुद ही घर पे इसके देख के आता हूँ, कर क्या रहा है। 5 मिनट पहले बोला था कि मैं बगल में रहता, ये घर है इसका। ये देखो दोस्तों, ये नीच आदमी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तेरे 5 मिनट कुछ ज्यादा लंबे नहीं होते हैं? 5 मिनट? हाँ। साइकिल खो गई तेरी? साइकिल तो नया कवर, क्या बात है। अरे नाइस भाई, खरीद लिया दोस्तों नया एकदम, कोई कमी नहीं है मेरे फोन में। कभी भी फोन में नहीं होती है कभी। चल बहन के लिए। पर भाई मैं कितना नेगेटिव इंसान हूँ, ये बंदा आज अपने आप से 8 बजे उठा है। खुद से भाई, खुद से विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। और अगर इसका कल का असाइनमेंट नहीं हुआ ना दोस्तों, उसको फेल कर देंगे, इसलिए शायद उठ गया टेंशन में। पर ऐसा भी होता नहीं है, बहुत नई चीज है हम लोगों के लिए। अरे दोस्तों, नुकसान उन लोगों का ही है अगर वो मुझे फेल कर दे तो, ठीक है? क्यों? They'll have to pass me. ये एटीट्यूड देख रहा हूँ बंदे का। रुको शमाली मैम को भेजूंगा एचओडी को। दोस्तों कॉन्फिडेंस है ये। अच्छा, और कल भीख मांग रहा था मैम, मुझे फीवर था। अरे वो तो थोड़ा डाउन टू अर्थ ना। और तो उसके लिए करना पड़ता। और तुम लोगों को पता है क्या कर रहा था 2 दिन से? क्या कर रहा था बता दूं? यहाँ पे मतला दोस्तों, MP वाला पोहा खा रहा है।
कैसा है पुआ? एमपी की टक्कर नहीं है भाई। अभी रुको, अंकल से बोलता हूँ मैं। क्या बोल रहा है भाई, मराठी लोगों का पोहा अच्छा नहीं है? देख लो अंकल, देखो अभी मैं अंकलों को बुलाता हूँ। पोहा इज द बेस्ट पोहा इन द वर्ल्ड। अभी रुको, मी ऑल्सो मराठी आए। तूने हम लोगों के पोहा को खराब कैसे बोला? अब तू गया बेटा, तू देख। अब आगे कुछ बोल मराठी में। माझा नाव शिखर आहे। तुझी आईची गाणी। यार नाश्ता करके बहुत जोर से आलस आ गया था, बट अब जिम बैग निकाल लिया और जिम चलते हैं फटाफट। मैं एक साल जिम करने के बाद भी प्रोटीन कंज्यूम नहीं करता था, प्रोटीन पाउडर, बट अब करने लगा हूँ थोड़ा बहुत। मतलब जरूरत है, मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। कल पूरे दिन बाहर घूमा हूँ ना, तो बहुत थकान थी, इसलिए आज वर्कआउट बहुत कम हो पाया। बहुत थका हुआ था मैं आज। कल फिर से आएंगे, कल अच्छे से करेंगे। आज संडे है तो पूल भी जाएंगे, पर उससे पहले मुझे अपनी डिफेंडर को साफ करना है। पिछले एक साल में जिम जाके मैं सिर्फ मोटा हुआ हूँ, तो अब मुझे सिर्फ प्रॉपर कट करना है और अच्छी बॉडी बिल्ड करनी है। तो दोस्तों साइकिल तो साफ हो गई है और आज हम लोग के घर से बन रहा है बैगन का भरता, दाल चावल और रोटी। जब से ताई आई है मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया है, वरना तो मेरा रोज का बाहर का चलता था और मेरी तबीयत खराब रहती थी। अब अगर मैं मोटा हो रहा हूँ तो मम्मी देख लो, ये ताई खाना बनाती है, इनके वजह से मैं मोटा हो रहा हूँ। साइकिल तो मैंने बढ़िया साफ कर दी है, अब जाके पूल में नहाते हैं, फिर आगे बढ़िया मस्त गरम गरम खाना खाएंगे। देखो दोस्तों, साइकिल को एकदम चमका दिया है बढ़िया। अब इसको धूप में रख के आएंगे कि जिससे बढ़िया साफ हो जाए। साइकिल नीचे धूप में रख देंगे सूखने के लिए और चलते हैं पूल में।